2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए का नारा था 400 पार, लेकिन एनडीए 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। लेकिन सरकार बनाने के लिए एनडीए तैयार दिख रही है। अगर आंकड़ों को देखिए तो एनडीए में बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, टीडीपी के पास 16 सीटें हैं और जेडीयू के पास 12 सीटें। इसी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास 5 सीटें हैं। इस चुनाव के नतीजे में टीडीपी और जेडीयू की सरकार बनाने में बहुत अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि एक तरह से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किंग मेकर बनकर उभरे हैं और सत्ता के ताले की चाबी अब इनके हाथ में ही है। ये वही चेहरे हैं जिनके बिना बीजेपी इस पार या उस पार की जद्दोजहद में उलझ सकती है। इससे पहला नाम है टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीती है। हालांकि वो ये साफ कर चुके हैं कि बीजेपी के साथ ही जाएंगे, जो वादा उन्होंने किया था वो पूरा करेंगे। ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जो आंध्र प्रदेश में अलग अलग समय पर 13 साल तक मुख्यमंत्री रहने के दौरान कई कीर्तिमान रच चुके हैं। 1996 से 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व किया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को समर्थन देने से पहले वो संयुक्त मोर्चा के संयोजक रहे। लेकिन 2019 आते आते लोकसभा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीडीपी का बुरा हाल हो गया। 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टीडीपी को करारी हार मिली। फिर चंद्रबाबू नायडू के सियासी सफर का ग्राफ लगातार नीचे जाने लगा। 2023 के सितंबर में चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया। स्किल डेवलपमेंट घोटाले में राज्य की सीआईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया था। इस केस में करीब 2 महीने तक चंद्रबाबू नायडू जेल में रहे। ऐसा लगा कि चंद्रबाबू नायडू का सियासी करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर से चंद्रबाबू नायडू ने कमाल किया और दोबारा ऐसी वापसी की जिसे सब देखते रहे। खैर, दूसरी ओर है नीतीश कुमार, जिनसे इस बार कम से कम ऐसे धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद कोई नहीं कर रहा। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार में जबरदस्त प्रदर्शन किया। जिस तरह से बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने कैंपेनिंग की, उसके मुकाबले बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। बिहार की अगर सीटों की बात करें तो जेडीयू ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है, बीजेपी ने यहां 12 सीटें जीती है, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 सीटें जीती, आरजेडी मात्र 4 सीटों पर ही जीत सकी, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें यहां मिली है। अब इस आंकड़े के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार की किस्मत चमक गई है और बीजेपी के सामने बराबरी के साथ नीतीश कुमार खड़े दिखाई दे सकते हैं। अभी नीतीश कुमार के पास ऐसे आंकड़े हैं जिससे कि नीतीश कुमार एनडीए के लिए भी जरूरी हैं और इंडी गठबंधन के लिए भी।